रतनलाल बगुला, सब इंस्पेक्टर, आज आप हमारी कस्टडी में हैं। हम तुमसे तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक तुम जवाब नहीं दोगे। कौन थी वो? तुम उसे कैसे जानते थे? जानते हो ना कि तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर हो? बताओ ये कैसे हुआ? ये सब काम करने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता था? तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता था? सर ये है सत्यकाम। श्याम दादा, जे बी सर। क्या रिश्ता था? बगुला, मैं इस इन्वेस्टिगेशन का हेड हूं, अरुण रॉय, और मेरी ये स्टडी है कि तुम एक लंबे अरसे के लिए जेल जाओगे। बी श्योर। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। लुक बगुला, मैं जानता हूं कि जिसने सरकार और कानून को हिला दिया है वो एक लड़की है। उसका नाम सिगड़ी नहीं है, उसका असली नाम कांची है। तुम्हारी आंखों में मेरी बातों की पुष्टि है, कंफर्मेशन है, राइट? हम उसे पकड़ लेंगे जल्दी, एंड बी श्योर ऑफ दैट। वो बहुत जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे होगी। शायद हो सकता है उसे ज्यादा से ज्यादा सजा भी मिले। क्या फर्क पड़ता है सर? अगर आप उसे फांसी भी चढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हंसेगी साली, झंड है वो झंड सर। अब जाने दो सर। देखो बगुला, मैं सब जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो द रियल स्टोरी। एक छोटी सी लड़की इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। इस सच के पीछे सच क्या है? क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ कांची का? दोस्ती का, बचपन से। एक गांव में एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम। मेरे से छोटी क्लास में थी वो। 7 साल पहले मैं मुंबई आ गया और वो वहीं बड़ी हुई, उसी गांव में, कोशंपा, उत्तराखंड में रिटायर्ड आर्मी के जवानों का एक गांव। वहां की हीरोइन थी वो, कांची। बिना परमिशन के ये लोग कैसे घुसे?
काजी रे काजी। कोशंपा वैली को एक साल के अंदर यह भी कोशंपा सिटी बनाना है, वर्ल्ड क्लास वैली। और इसे बनाने में जो भी रुकावट डालेगा वो अपनी पोजीशन और जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होगा। जिसको मार कर आई है पता है ना कौन है वो? हाँ पता क्यों नहीं, वो सरामी थानेदार भागवत का बेटा है। एवेलेक की दीवे ट्रॉफी फेंक दी तूने, कहाँ की शहजादी है तू? तू क्या करती, हाथों में ट्रॉफी थी तो वही फेंकती ना? जवान लड़ाई चली जा रही है, लड़की होके ऐसी गंदी गालियां बकती है बेशरम। और क्या करती, नमस्ते करके चली आती। चुप कर, इतना क्यों पीटे हैं इसे? शादी करा दे, ससुराल वाले खुद ही पीट लेंगे। ज्यादा निर्माण सिंह जी, कांची कभी सुधरेगी? कभी नहीं। क्या उस दीपू ने शिकायत की माँ से? हाँ माँ से, और रोया भी माँ के सामने। कांची कहाँ जा रही है? भगवान के नाम से दे दे बाबा, दे दे बाबा। पकड़। दो ताली। साले तूने मेरी माँ से शिकायत की? हाँ की तो। तेरी माँ की? अब जाके फिर शिकायत कर कि मैंने तुझे फिर मारा। और हाँ, अगली बार जो तू ये फिर शिकायत करेगा ना, उसके लिए ये एडवांस भी कल मिलेगी। कोई बात नहीं, जय माता दी। सुन लो सरपंच, उसने मेरी बेटी की मारी है ना, अब देखना कैसे मैं उसकी और उसके परिवार की करता हूँ। जबान रोको भागवत। रोक ली, ये लो रोक ली। जुबान तो अब तुम्हें रोकनी है सरपंच जी, जब काकड़ा परिवार कोशंपा में आएगा और तुम सब पे फ्लिट मारेगा। बिंदा ने कांची का सही नाम रखा है, सिगड़ी। मेरे शेर बेटे की शेरनी है कांची, छेड़ोगे तो दहाड़ेगी ना। तो क्या आग लगाओगी तुम औरतें हैं? तेरा बाप कश्मीर की लड़ाई में मारा गया, थोड़ी सात मारला जमीन छोड़ गया। अब खजरा भागवत सब हमें जमीन बेचने के वास्ते तंग करेंगे। कोशंपा में हम पैदा हुए, यहीं मरेंगे। तेरा बिंदा कोरट के चक्कर लगा लगा के पागल हो गया, और तू सरकारी लोगों से झगड़ा करेगी तो वो हमारा जीना दूबर नहीं कर देंगे। हम सब दिए मिल भी जाए ना तो इस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते। माँ किसे बातें कर रही है तू? तुझसे। सजे दे तू पोथीला। माँ तू गलत सुर में गा रही है, ऊपर से शब्द भी गलत वलत। अब माँ 19 साल हो गए मैं ये गलत लोरी ही सुने जा रही हूँ। माँ के शब्द गलत हो सकते हैं पर मतलब बिल्कुल सही होता है। कुछ कहूँ माँ?
सॉरी कहूं तो माफ करेगी? सॉरी मां। अरे अरे रोना मत, अभी रो मत। रो रही है माँ, रो रही है। चल रो ले फिर, रो ले। तुझे तो एक ही आदमी ठीक कर सकता है, तेरा बिंदा। पहले खुद को तो ठीक कर ले, वो बड़ा है मुझे ठीक करने वाला। शहर से आया कि नहीं? तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अरे कमला, अभी तुमने मेरा जादू देखा कहाँ है? आ जा, मैं दिखाती हूँ तुझे जादू। ए? चुप, जानबूझकर गिरती है साली, मुझे पता नहीं है क्या? ताकि बिंदा उठाए, मरम लगाने के बहाने इधर उधर हाथ फिराए। तू जलती है ना, तो मत आया कर मेरे कंपाउंड में। सीखना है तो सीख, नहीं तो जाए यहाँ से। हाथ नहीं आऊंगी, ज्यादा बोल मत झंड साला। क्या बोली? झंड। अरे जाओ तुम लोग। गुस्सा नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। बिंदा को सब स्टूडेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। अरे वो हरामजादी साहब। गाली नहीं, लड़कियां गाली नहीं देती। आपको नहीं पता वो बहन के लोग। तो मैं मेरी कसम। ठीक है, वो तुमसे प्यार करता है। अच्छा ये प्यार है? मलम लगाया उसके पीठ पे। चुप। चुप तू। शहर से आया है थका मांदा और आते ही ट्रेनिंग पर लग गया है, और तेरे लिए और तेरी माँ के लिए गिफ्ट भी लाया है। मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, सॉरी भी नहीं बोला। छनसाला चला। अरे पापा आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर? क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है। अच्छा एक कारण बताओ। साफ है, सच्ची, और दूसरा मेरे शहीद दोस्त आर्मी जवान सूरज सिंह की बेटी है। आज भी उसकी आर्मी की बेल्ट लगाकर बाहर निकलती, और वो भी शान से। बस यही कारण है? हाँ। आप पापा आप टोटली ग्रेट, एकदम ग्रेट। कोई तो शर्म करो यार। इसमें शर्म की क्या बात है? फेंको तौलिया। पहले ये बता इतने दिन शहर में क्यों? लड़की देखने गया था अपने लिए, पापा ने बोला था। मिली? हसीना नाम है उसका। मेरे से भी खूबसूरत? अबे तेरे से तो हर दूसरी लड़की सुंदर है। झूठ। साथ में एक और बात, लड़का देखने गया था तेरे लिए, तेरी माँ ने बोला था मुझसे। तो मिला? देखेगी तो खुश हो जाएगी। तो एक काम कर, ऐसे ही चल के आना मेरे घर पे। अबे काची, काची। ओ नंगे ले तौलिया, ढक ले अपना बिल्ला। बिंदा। जी पापा। बेटा तू ठीक है ना? सॉरी पापा, तौलिया लेना वो भूल गया था। तौलिया ले जाना, भूल गया। मुझसे मत शर्मा, ये ले। अच्छा ये बता तेरा नया पैतरा क्या है? अभी कल देखो पापा मेरा शो, चांद सा चेहरा लेके जाऊंगा उसके लिए एक। इनसे मिलिए। तो ये है पद्दू पहलवान, गांव का नाम सूरजमुखी, और मशहूर कवाल बस्या महाराज इनके पिताजी, और गाने वाली कोठे वाली रेशमा बाई इनकी माँ। उनके सबसे छोटे पुत्र है पद्दू पहलवान, वैसे इज्जत से इनका नाम पदम सिंह है। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया लड़का पद्दू।
इतना पैसे वाला कहाँ मिलेगा तेजी? अच्छा है दीदी। अरे एक बार इसको घर लेके जाओ। एक बात कहूँ माँ, मुझे ऐसे ही कोई कामयाब आदमी की जरूरत थी। कोई गोरा चिट्टा चूहा नहीं चाहिए मुझे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी की तैयारी करो। बिंदा, तूने सिगड़ी के नीचे माचिस लगा दी। देखो अपने ड्रामे का अंजाम। ये कांची है, कांच टूट जाए पर कांची ना टूटे। इस पागल का मैं क्या करूं? तुमने सताया इसे, अब तुम ही समझाओ। इतना सा भी मजाक नहीं सहा गया इससे। 26 घंटे परेशान करती है लड़की मुझे। कांची, ए सिगड़ी, बकरी घास को चर गई, लड़की तो है डर गई, सात समुंदर टर गई, सबको पागल कर गई। अब फटी? हाँ फटी। मैं ऊपर चली जाती तो क्या करता तू? फॉलो करता तुम्हें। क्यों? बात समझ में आ गई मुझे। कौन सी बात? कह के बताओ या करके? करके बता। मैं भूल ही गया था, देना था तुझे, दे दिया पापा को, माँ के लिए लाया था, उन्हें बोला था याद दिला देना, चुन्नी दिलवा दी, बेल्ट दे दी, सब दे दिया, लेकिन ये सुंदर ब्रेसलेट सुंदर लड़की के लिए देना चाहिए था ना पहले से। अब चल, जान कहीं का। अगली बार तूने ऐसा किया ना तो तुझे रस्सी से लटका दूंगा। तेरे लेना वो मोटा ही सही था, उसी मोटे से तेरी शादी करा। तेरे लिए भी मोटी ढूंढ रही हूँ मैं। अरे ले आना, मजे आ जाएंगे मोटी के साथ में। इस लड़की को तो मौत से जरा भी डर ना लगे। किस आदमी को कैसे सबक सिखाना है? मशीन की तरह दिमाग फट 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 चलता है इसका। 1, 2, 3, 4 चलो सब लोग नी स्ट्रेट रखो और स्ट्रेच करो। चलो भाई, काका के बंदे आए अपनी जमीन खरीदने। गुड मॉर्निंग बिंदा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग खजुरा, अभी भी नजर है तुम्हारी। नजर तो है बिंदा। 20 लाख है इस बैग। झूमर बाबू काकड़ा सर ने खास तुम्हारे लिए भिजवाया है। एक साइन ही तो करने, साइन कर और किस्सा खत्म। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, समझा कर। लो लो। देख लो, भारी है। चंगू, पापा को देखे? जी भाई। थैंक यू खजुरा, थैंक यू। बस एक मिनट, एक साइन, सिर्फ एक साइन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड यार। ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो चीटिंग है सारा सब। अरे अरे ये क्या किया? स्कूल को वैसे भी पैसों की जरूरत थी खजुरा, क्योंकि आपके खिलाफ केस जीतने के लिए मुझे भी तो पैसे चाहिए। तू बात को समझ नहीं रहा है बिंदा, ये तो सारा सर चीटिंग है। अरे चीटिंग तो तुम्हारे बॉसेस ने की है, चने के दाम पे जवानों की जमीनें खरीद ली, एक गज भी ना मिले दोस्त। ऐसा गेम खेलेगा ना तो हवन कर देंगे तेरा काकड़ा। यार ये तुम्हारा काकड़ा है कौन? ऐसे फुग्गो को मेरे सामने तो लाओ। अरे बिंदा से हाथ मिलाएंगे
तो उंगलियां टूट जाएंगी तुम्हारे झूमर बाबू की। शक्ति देखनी है उनकी, उसकी तो बाद में, पहले तुम्हारी देख लेता हूँ। जाओ कोर्ट जाओ, बुलाओ कौन है तुम्हारा झूमर बाबू। सॉरी सर, बगुला हियर। सर रॉन्ग टाइमिंग बट राइट इंफॉर्मेशन सर। सर हमारे इंजीनियर पांडे बड़े मादर निकले सर। जी हाँ सर, उत्तरांचल प्रोजेक्ट का सारा इंफॉर्मेशन टावर के सीईओ को भेज दिया सर, 10 करोड़ रुपए में। जी सर। क्या बोले, क्या बोलेंगे मादर? कोशंबा वैली प्रोजेक्ट एक स्कैम है। अरे रिटेर आदमी लोग का जमीन भी हड़पने में झूमर बाबू पीछे नहीं हटा। अरे क्योंकि उनके पीछे नेता लोग का हाथ है, सपोर्ट है। दादा का फोन। जी दादा। बड़ा भाई होने के नाते मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि हर काम पद्धति से करो। Try to understand। छोटी गलती से ही बड़े आदमी का विनाश होता है। वहां के चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हो गई है, हमें एक बार कुशंपा जाना पड़ेगा। कुशंपा तुम्हें मिलेगा लेकिन राजनीति के पथ से, पद्धति से। अपना सपना क्या है? प्यार का सपना क्या है? प्यार की गंगा। अच्छा। सबका तिरंगा बोलना। सारे गा मा बा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ओ शंपा।
सॉरी, चोट तो नहीं लगी? नहीं। I'm very sorry. पहाड़ी इलाके में पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ ना, सॉरी प्रिंसेस। ए, इतने बड़े आदमी और एक ड्राइवर नहीं रख सकते? नहीं, मुझे अकेला अच्छा लगता है। सुनिए, क्या आप मुझे सनसेट पॉइंट का रास्ता बता सकती हैं? देखिए, अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं। कैसे बताऊं? अच्छा, एक काम कीजिए, ये दिख रहा है गली, यहाँ से नीचे उतर जाओ, फिर आगे कच्ची सड़क मिलेगी, वहां से दाएं मुड़ जाना, आगे जाके ना टीला मिलेगा, वहां पे यूं कूदी मारना, और जैसे ही आप पार करोगे ना, आपको वहां एक तालाब मिलेगा, उसको पार करके 40 कदम ऊपर है नारायण मंदिर, वो देखो यहाँ से दिखता है ना, बस वहीं पे है सनसेट पॉइंट, फटाक से पहुंच जाओगे, समझे कि नहीं? इंटरेस्टिंग, अब मुझे शॉर्टकट्स नहीं आते। शॉर्टकट्स नहीं आते? अरे बीचों बीच है, 2 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ के मुझे सनसेट पॉइंट दिखा देंगी तो आपकी मेहरबानी होगी। पेंटिंग का शौक है मुझे, इसलिए सनसेट पॉइंट देखना काफी जरूरी है, सो प्लीज आप मेरी मदद करेंगी? पापा और चाचा भी साथ में आए हैं। ये जो कोशंपा वैली प्रोजेक्ट है ना, ये हमारा ही है। ओ, तो आप हो काकड़ा? अजीब नाम है ना? हाँ, लेकिन मैं अपने पापा और चाचा के समान नहीं हूँ, मैं उनसे काफी अलग हूँ। यू सी, आई एम एन आर्टिस्ट, सिंपल नेचर लवर। ब्यूटिफुल कोशंपा, मैजिकल पेंटिंग, मैं इसे हर एंगल से पेंट करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे रोज एक ऐसा ही बेहतरीन स्पॉट दिखाएंगी तो फिर काम कौन करेगा? मेरा बाप? अब बात तो आप ठीक कह रही हैं, मैं आपको रोज 1000 रुपए दूंगा, आपके काम का इनाम, लाइक अ टूरिस्ट गाइड। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं भी पेंटिंग करती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट, फिर तो हम एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ना, मैं तो यहीं से चली जाऊंगी, बीचों बीच, बाटो बाट। ओके। 1000 रुपए का नोट दूंगा अगर तुम मुझे हर रोज लोकेशन दिखाओगी तो। फिर लिया तूने? हाँ ना, ये देख, फ्री का नोट। कांची, हर इंसान की मुसीबत की शुरुआत ये फ्री के नोट से ही होती है। पर मैं तो स्कूल में जमा करने के लिए लाई हूँ ना, चंदा। बंदा कैसा है वो? तेरे से अच्छा है। नोट दिया इसलिए? इज्जत करता है मेरी, तेरी तरह नहीं। तो तू घूम ले, फिर आना वापस। चलता है। सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, कई नेताओं के निर्माता, गरीबों के विधाता, श्री श्याम काकड़ा आपके सामने 2 शब्द कहेंगे। नमस्कार, आज हम यहां भाषण देने नहीं आए हैं, अपने कुछ गुनाहों को कबूल करने आए हैं। मेरी सेक्रेटरी ने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है कि मैं महान हूं, मैं ये हूं, मैं ना 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 ना, सत्य तो ये है कि हमने इस देश के चरित्र का सत्यानाश किया है, अपने चरित्र का सत्यानाश किया है, भ्रष्टाचार के नए नए लिबास पहने हैं हमने, पावर और कुर्सी के लिए कितने गंदे और अनोखे खेल खेले हैं। अरे सत्य तो यह है कि देश के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए था हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को राजनीति में ले आए,
ताकि वो देश के विकास को सही दिशा में ले जाए। जरी, इसके अलावा मेरे पास और कोई दो शब्द नहीं है। माइंड गेम्स खेल रहा है। जय भारत, जय कुशल। अब आपके सामने जेबी काकरा, जो यहाँ कौशंपा वैली प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, आपसे दो बातें कहेंगे। हमारे भाई साहब, श्याम दादा की कमजोरी ये रही है कि वो विनम्रता की बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये पूछता हूं कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये देश का विकास किसने किया? आपके लिए इतनी सड़कें, इतने डैम, अस्पताल, बिजली, स्कूल, टेक्नोलॉजी किसने बनाए? ये सब आपके विजन से बने हैं भाई साहब, आपके प्रयास से बने हैं। दूसरे पॉलिटिशियंस के गंदे कारनामों को अपनाने की आदत पड़ी है ना इनको। माय ब्रदर इज ग्रेट, मेरा ब्रदर महान। अपने बच्चों को सिखाओ कि देश बढ़ाओ, पैसे कमाओ, हर तरीके से पैसे कमाओ। लालच बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पैसा ये पैसा, पैसा ये कैसा नहीं कोई ऐसा। क्या सोच रहे हो झुमार? यही दादा की आप संतरा छील रहे हैं। संतरा, आजकल की राजनीति ना इस संतरे की तरह है, बाहर से अलग, अंदर से अलग। ये लो खाओ। बताओ आज तुमने मुझसे क्या सीखा? यही कि पब्लिक में अपनी स्पीच में उन्हें वही कहो जो पब्लिक सुनना चाहती है। वेरी गुड। लेकिन झूमर बाबू, कभी कभी आप बहुत लाउड हो जाते हैं, लाउड। अब दादा जैसा हूं वैसा हूं, ये मैं हूं। अब मैं कोई हिपोक्रेट हूं नहीं। सुशांत साहब को उसकी सादगी और कांची को उसका हम्बलनेस पसंद आ गया सर। जी, हाँ? स्ट्रेट। हमें जो मालूम है वो है तीन बातें। वन, फियर नो इविल। टू, डू व्हाट इज राइट। एंड थ्री, फाइट फॉर योर राइट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहां है? जनगण मन का कौन बनेगा नायक और कौन बनेगा इस भारत का भाग्य विधाता? हम सब, मैं खुद, मैं अकेला, मेरी शक्ति, मेरी सच्चाई है सच, है सच। I like this man. वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बिंदा। और मैं? हम तो अभी अभी मिले हैं, गुड फ्रेंड। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही भाषण नहीं देते? वही तो, मैं तो समझा समझा के थक गई इसको, कितना बोर करता है ना। अब आप ही बताओ, कोई एक इंसान पूरे देश को बदल सकता है? अब ऐसा है तो है। वश, वश। सुना है जनाब को कोई लोकल ब्यूटी पसंद आ गई है, उठवा दे उसे। बट दैट्स नॉट राइट अंकल। मैं उसे, आई मीन, हाँ,
अरे कहो ना यार, तेरे लद गए, तेरा प्यार हो गया उससे। व्हाट? हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? मैं उससे मिलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। द वे शी टॉक्स, द वे शी मूव्स, वो कोशंपा में गॉड की बेस्ट गिफ्ट है। ओह अच्छा, तो एक काम करते हैं यार, कोशंपा बेच ही देते हैं और तेरी वॉकी टॉकी गॉड गिफ्ट को यही ले आते हैं। व्हाट डू यू से? यस, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तो बुखार 110 तक पहुंच गया है। कर लो बेटा, अपनी गर्मी दूर कर लो, जब ठंडे हो जाओगे ना तब मेरे पास आ जाना, ओके? पता है भाई साहब की सबसे बड़ी गलती क्या है? ये जनाब, ये आशिक। चलो। यू नो, आज मैं तुम्हारी पेंटिंग तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बनाऊंगा। क्यों? मैं खूबसूरत नहीं हो? लेकिन कलरलेस, एक बेरंग सा पन है तुम में। हाँ, तो तुम हो ना रंग भरने के लिए। दैट्स राइट, इसलिए आपको एक डिवाइन मूर्ति की तरह अपनी आंखों को बंद करना होगा। प्लीज चलिए। ठीक है, परफेक्ट। यू नो, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है और तुम्हारे होठों पे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मुझे घर जाना है। लेकिन मुझे अपनी पेंटिंग पूरी, मुझे घर जाना है बस। आज तूने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? डर गई ना? कल शाम को सूबेदार आया था बिंदा के लिए कांची का हाथ मांगने, और इसी महीने शादी कराना चाहता है। अरे जब आम पेड़ से गिर के खुद ही झोली में आ रहा है तो हर्ज क्या है? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दोनों की शादी करा दो। वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए बने, तीसरा तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है। पहले बिंदा से तो पूछ लो। मैं बात करूंगा। सुबह सुबह नींद नहीं आ रही थी। क्यों? वो मालूम है ना, घर वाले तेरी मेरी बातें करते हैं। क्या? तेरी मेरी शादी की। शादी करेगा मुझसे? मेरा क्या दिमाग खराब है? क्यों, इतनी बुरी हूं मैं? देख कांची, न तू शादी के काबिल है ना मैं। अभी तुझे अकल से बड़ा होना है और मुझे कोशंपा को बचाने के लिए इन शैतानों से लड़ना है। यार घर वाले तो हमें बचपन से देखते हैं, इसके लिए अब बोल, शादी करेगा कि नहीं? नहीं। कैसे नहीं करेगा? अब मैं सबको जाके बताऊंगी कि तूने मुझे किस किया। अबे जा, झल्ली है तू, झंड है तू। और अब अगर तूने नो बोला तो मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि तूने मुझे किस किया, और वो भी किया जो शादी से पहले अलाउड नहीं है। अब बोल, फटी? मैंने तेरे साथ क्या क्या किया ये तू चिल्ला चिल्ला के मुंह फाड़ के बीच गांव में भी बोलेगी ना, तो भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। अब जा, दफा हो जा यहां से। तो मत कर, मर जा और मैं भी मर जाऊंगी ऊपर से कूद कर। जान साला, समझ सके अपने आप को? अच्छा, अब घर वालों को बता दे अपने कि मैंने वो किया जो शादी के पहले अलाउड नहीं है।
और ये फंदा मेरे गले में डाल रहे। फंदा? फिर क्यों मरने मराने की बातें करती हो? सबको मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ था और तुम्हारे लिए मरूंगा। लव यू कहूं क्या इंग्लिश में? Sorry, my friend. तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है कांची, लेकिन मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से। कांची! अरे अरे अंदर कहाँ घुसे चले जा रहा है? कांची, कांची! ये घर तेरे बाप का नहीं, कांची का है। सर, लीव हिम से तू। जाओ, अबे आर्मी वालों के बच्चे हैं, हमसे पंगा ना लेना सर जी। क्या नाम है इसका? बिंदा। बिंदा, ये बेईमान और धनवान के बेटों का एक ही प्रॉब्लम है, जवान होते ही खुद को बलवान और धनवान समझने लगते हैं। बैड, इस वेरी वेरी बैड कि इसने तुम्हारी प्रेमिका के साथ प्रेम किया है। पर क्या करें, पिता जो ठहरे, इस प्रेम युद्ध में उसका साथ तो देना ही पड़ेगा। आप राइट हैं सर, मैं भी राइट हूं, और युद्ध होगा तो होगा ना सर? युद्ध का मतलब समझते हो तुम? लो कर लो बात सर, इतिहास मैंने भी पढ़ा है, और वैसे भी ये लड़की का मुद्दा तो शॉर्ट स्टोरी है, असली मुद्दा तो कोशंपा है। कोशंपा का फैसला तो सरकार कर चुकी है, और क्या? सरकार के असली संचालक तो आप ही है, आप और आप। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत का हर आम आदमी तुम्हारे जैसा हो, गांधी जी ने ऐसा ही सपना देखा था। सर, गांव का आज हर एक आदमी ऐसे ही, बस इस चश्मे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी सच है, तूफान को कभी कभी दिए नहीं दिखते। ए, अच्छा डायलॉग है भाई, कोई और मीटिंग में लगाएंगे। जाओ बेटा, आशीर्वाद, जाओ। आशीर्वाद? वाह, साईं बाबा है भाई साहब, आशीर्वाद।
आशीर्वाद देके भेज दिया। शुद्ध बड़ी पगस। इतने सालों में आपने दादा को पहचाना नहीं, वो अपने दुश्मन से भी बड़े प्यार से ही मिलते हैं, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो सोचते नहीं। मैं जो सोचता हूँ वो बोलता हूँ। इसीलिए तो आप पॉलिटिशियन नहीं हो। क्या है, दादा बहुत दूर के सोचते हैं और एक सुशांत के लिए हम कोशंपा नहीं खो सकते। मगर मैं ब्रिलियंट ब्रिलियंट, हम यहां बिजनेस करने आए बिरादर, लव स्टोरी नहीं। म्यूजिक प्लीज। जला सकती हो तो जला दो, फिक्र नहीं जल जाने का। हर रंग में हर ढंग से इंतजार है अब तुम्हें पाने का, सिर्फ पाने का। तू दर्द मेरा, तू मरहम भी, तू मीत मेरा, तू महरम भी, तू इश्क मेरा, तू रश्क मेरा, तू खुशी मेरी, तू अश्क मेरा, तू सब कुछ सब कुछ। साहब का कहना है कि काकड़ा परिवार के तुम चिराग हो। मुझे तो तुम्हारे चेहरे पे लाइट ऑफ दिखाई दे रही है,
फ्यूज बल्ब दिख रहा है मुझे. व्हाट्स योर प्रॉब्लम माय डियर? गहरा इश्क हुआ है ने सर, पर उसकी शादी तो बिंदा से होने जा रही है. अरे उसे तोड़वा दो. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बच्चे अगर तुम 10 जुर्म भी करोगे तो नो वरीज, हम तुम्हारे पीछे है ना, बेफिक्र रहो, नो प्रॉब्लम. सच अ स्ट्रॉन्ग बॉय गोइंग वीक, शेमफुल. कहाँ गायब हो गया था तू? शहर गया था. क्यों? शेरवानी? शादी के पहले ही? अरे आज तो सिर्फ टशन मारने जा रहा हूँ. मतलब हनीमून के पहले ही हनीमून. पापा यू आर ग्रेट, आई लव यू. चल ड्रामेबाज, अरे कोई नया पोज तो दो. हनीमून से पहले हनीमून अलाउड नहीं है. अरे कांची तो वही करती है जो अलाउड नहीं है. उसी में तो मजा है ना, किसी को पता ही नहीं है कि हम भाग के यहाँ आए. भाग के चले जाते, शादी कर लेते. बहुत मजा आएगा ना. हाँ बहुत मजा आएगा. चल अब तू पोज दे. अच्छा देख मैं नीचे जा रहा हूँ, यहीं पे रहना तू. अच्छा रुक, वही टाइम. आए हाय मेरी चमक छल्लो. थोड़ा फिल्मी यार, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट. कैसी लग रही हूँ मैं? सच कहूँ पहली बार इतनी सुंदर लग रही है. मैं भी एक सच कहूँ, आज पहली बार ना तेरी आंखें साफ हुई हैं. एक पुराना डायलॉग बोलूँ क्या? आई लव यू कांची, बस ऐसे ही रहना. जेबी अंकल, मैंने उसका खून कर दिया. क्या कहा? आई किल्ड हिम. वो
मुझे मालूम था कि तुम लोग पहाड़ गिराओगे। अब पद्धति से काम लो, कुशंपा वैली की टोल टैक्स की पर्ची कटवाओ। कि कल ही तुम लोग वहां से निकल गए थे, पुलिस और मीडिया को मैं देखता हूँ। सविता जी, वहां के वो मीडिया का नाम क्या है? जी मिस्टर गुप्ता, मुझसे बात करो और तुम पुलिस से बात कराओ। जी जी सरकार, हो जाएगा। बिंदा, बिंदा, अरे सुन नहीं रहा, तेरे को बुला रहा हूं मैं। ए बिंदा, बिंदा, सूरज चौहान अपनी सुध को बैठा है। मैं सब गांव वालों से मिलकर आ रहा हूं। सरकार और कानून के खिलाफ आज खड़ा होने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। सब सहम गए हैं काकड़ा और उसकी सरकार से। घर चलो बेटी, जो हुआ सो हुआ। मैं 40 साल से पुलिस में हूं। दो शब्दों में एक बात कहता हूं, भूल जाओ। हम लोगों को अन्याय को अपना भाग्य समझने की आदत होनी चाहिए। इस देश को काकड़ा जैसी ताकत ही चलाती है, हम नहीं। हम बहुत छोटे लोग हैं, छोटे ही रहना चाहिए। मूर्ख हैं, मूर्ख ही रहना चाहिए। बिंदा की हत्या के बारे में सबको मालूम, लेकिन भागवत की कानूनी डायरी की FIR में उसको एक्सीडेंट लगती है। क्या कर सकती हो तुम, क्या कर सकते हैं हम। भूल जाओ, भूल जाओ। आज FIR में एक्सीडेंट हुआ, ये मैंने लिखा है, इसके रिकॉर्ड में सबूत है। आंख मत दिखा, अगर तुझमें हिम्मत है तो काकड़ा परिवार से लड़के दिखा। नहीं, अब
तुम सबको कीड़े मकोड़ों की तरह जीने की आदत पड़ गई है, पर मुझे नहीं। मुझे शांति चाहिए, पर मुझे नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे तुम जैसे कायरों के साथ, जो सच को देख कर भी भूल जाओ बोलते। नहीं बोलोगे मैं, मर जाऊंगी पर नहीं बोलोगी, नहीं बोलोगी मैं कुछ भी। मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। तो कांची मरी नहीं? अगर वो मर जाती तो क्या मैं यहां बैठा होता सर? ना? ये दाग, ये डंडे, ये जख्म, ये दिल की पीड़ा। उसके बाद कांची नदी तैर कर एक गांव पहुंची, वहां से काठगोदाम, देहरादून और फाइनली मुंबई शहर। Sorry to break this news, son. Kanchi ne kood ke suicide kar liya hai. It's not good for us. Aur yahan wo 12 din bhookhi pyaasi yahan se wahan ghoomti rahi. Kisko milne? Mujhko sir. Aur sali kisi ko janti thi yahan par? Kisi ko nahi. क्यों? उसके बचपन का दोस्त था ना सर, मैं मेरा एड्रेस ढूंढ रही थी। भाई साहब, क्या है? क्या आप रतनलाल बगुला को जानते हैं? हाँ, साहब है हमारे। कहाँ मिलेंगे आप उन? कौन? मैं उनके गांव से आई हूँ। वो कहाँ मिलेंगे? अरे वहीं जहाँ चोरी हो, चक्कारी हो, छोरी हो, दारू हो, वहीं मिलेंगे। और कहाँ? बेटा हूँ मैं सबसे बड़ा अभिनेता हूँ।
हाँ तो तू बंबई आई है, तकदीर आजमाने, बड़ा बनने, फटाफट शॉर्ट टाइम। सही है, बहुत सही जा रही है। अरे मैं यहां 7 साल से झक मार रहा हूं, अभी भी मक्खी हूं मक्खी शहर में। मेरा जवाब सुन ले, नो माने नो, मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, चली जाती हूँ, सड़क पे सोऊंगी, भूखी मरूंगी, पर रहूंगी यहीं पे। घर जाऊंगी तो कुछ बनके कुछ करके। ओ डिटर्मिनेशन, समझ गया तो क्या बनना चाहती है। कैटरीना कैफ, चल मैं तुझे बनाता हूं कैटरीना कैफ। वो देख रही है हाँ? वीटी स्टेशन रख 3000 टिकट कटा और सीधा घर जा, समझी? बाय। सर जी, ये मोमबत्ती वाले युवा संघ दिन में भी बत्ती जलाने लगे हैं। जय बजरंग। चाय। सर, इंक्वायरी कमीशन का कोई बंदा घर में घुसा है सर, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं। जय हिंद सर। तुम्हें किसने आने दिया? शर्म नहीं आती तुझे? अरे अपने गांव से आई बेचारी बेसहारा लड़की को घर से निकाल दिया। मेरी सहेली तेजी की बेटी है ये, नौकरी ढूंढने आई है, जैसे तू आया था एक दिन। कांची यहीं रहेगी मेरे पास। आओ कांची। उसकी इंटेलिजेंस देख के मैं शॉक खा गया। और अगली सुबह मैं क्या देखता हूं? पढ़ा लिया माँ को तूने? बड़ी स्मार्ट हो गई है कांची तू। अच्छा अब उठना, आज संडे है, मुंबई देखना है मुझे। तू चलती फिरती टैक्सी। मैं वाकई में हूँ चलती फिरती टैक्सी। मुंबई में आके तो बहुत बदमाश हो गया रे बगुला। मुंबई शहर आकर जो मरने की ठान लेता है ना, मुंबई उसी की हो जाती है, समझी? अ सिटी ऑफ बिग पीपल बिग स्टार्स। काकड़ा को जानता है ना? काकड़ा को जानता है? तू कैसे जानती उसे? वो कोशंपा में शहर बना रहे ना वो लोग। काकड़ा भयंकर पावर, खास आदमी मैं उसका। बचपन की मोहब्बत को दिल से न भुला देना। तू वैसा ही है हाँ? बेटर कांची, मच मच बेटर। कांची नहीं, सिगड़ी। सिगड़ी नाम है मेरा। What? अरे भूल गया तू, मेरे बचपन का नाम सिगड़ी ही तो है और मुझे पसंद भी है। अच्छा सुन, काकड़ा के उधर नौकरी दिलाना मुझे। अच्छे कपड़े पहने बुरा लगता हूँ क्या मैं? हाँ क्यों? इम्पॉसिबल, मेरी नौकरी बची वही काफी। ओके तू ये कोला पी और नजारा देख। मैंने उसको शाम काकड़ा के घर नौकरी दिलाने से इनकार कर दिया था। यकीन मानिए सर, वो शाम काकड़ा के घर के बाहर 12 दिन खड़ी रही, ये देखने के लिए कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है।
और फिर उसने हर आते जाते लोगों को पहचानना शुरू किया। और एक दिन फिर उसने क्या किया, उसे शाम काकड़े की जो हाउसकीपर है माया ताई, उसको उसने अपना टारगेट बनाया। कहाँ की रहने वाली हो तुम? उत्तरांचल की। क्या काम करती हो? काम ढूंढ रही हूँ, कोई भी छोटा मोटा घर का। मायताई, वो अपने स्टाफ में विद्या है ना, वो तो एक महीने की छुट्टी पे गई है, तो इसे रख लो ना मायताई, बेचारी गरीब दिखती है। गरीब दिखती नहीं, गरीब हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? सिगड़ी। क्या? सिगड़ी। किसी को जानती हो यहाँ पर? नहीं, किसी को भी नहीं। हाँ, वो बस एक को जानती हूँ। हमारे इलेक्शन में सिर्फ यही एक बाधा है, बाकी और कोई फिक्र नहीं है दादा। दादा, सिचुएशन बहुत सीरियस है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे बगुला, क्या खबर लाए हो? सर, मीडिया में बहुत बकवास कर रहा है सत्यकाम। तुम तो जानते हो उसे, तुम्हारा दोस्त है ना? जी, बनावटी। वेदांत जी, फोन लगाओ। और ये नमस्कार सर, सत्यकाम बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वेदांत बोल रहा हूँ, श्याम दादा की तरफ से। क्यों दादा, हमसे बात नहीं कर सकते? देखो सत्यकाम, तुम्हारा नाम सिर्फ सत्यकाम है, तुम सत्यवादी नहीं हो। दादा ने तो पिछले 50 सालों से देश की सेवा की। 50 साल से इस देश की सफाई की है, युवा जरा ज्यादा ही उखड़ चुका है सर, और आपको उखाड़ने की तैयारी में। सत्यकाम, हम तुम्हारे हर विचार हर बात से सहमत हैं। ये सब डिस्कशन डायलॉगबाजी है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। गॉड ब्लेस यू माय सन। काट दिया। सत्या, ये शाम काकड़ा का चिट्ठा फाड़ना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है सादिक, एक दिन उसका नारियल तो फोड़ के रखेंगे ही। लेकिन दादा, ये क्या? सुना नहीं हमने? कहा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। दिल्ली का इंस्टीट्यूट बताओ सुनीता। दादा, ये मीडिया सत्यकाम के पक्ष में इसलिए है क्योंकि ये लोग आरटीआई या दूसरे सूत्रों से। लेकिन दादा, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे ऐसे नारे जवानी में हम बहुत लगाए हैं, लगाने दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन दादा, इन मीडिया वालों को क्या? अरे मीडिया का काम ही है भाई चिल्लाना, इवेंट टू इवेंट, पर्सन टू पर्सन। टीआरपी बढ़ाना है ना, हम इवेंट करते हैं तो टीआरपी बढ़ती है, वो इवेंट दिखाते हैं तो टीआरपी बढ़ाना। अच्छा, तुम चल चल। ओरे बगुला, इधर उधर क्या देख रहा है? मैंने तेरा काम कर दिया, खुश? खुश? अरे देख क्या रहा है, तेरा नाम लेने से तो मैंने सिगड़ी को एक महीने के लिए विद्या की जगह पर काम पर रख लिया। राइट। मैं मिलूं सर? ना, तेरा घर है क्या? अब तेरे को पहले मेरे बच्चे रितेश का काम करना पड़ेगा, हाँ समझा? मुंबई में आके जो मरने की ठान लेता है ना बगुला, मुंबई उसी की हो जाती है। थैंक यू बगुला। No.
क्या नाम बताया इसका? सिगड़ी, रेफरेंस माया ताई। अच्छा हुआ रे तू आ गई, नहीं तो ये सब काम ना मेरे को एकटी को ही करना पड़ता है। रे तेरे को पता नहीं है ये काकड़ा फैमिली है ना एक नंबर की हरामी। घर में कौन कौन है? बस बड़े साहब। अरे दिन को पब्लिक मीटिंग, रात को प्राइवेट मीटिंग। उनका एक बेटा भी है ना? हाँ है ना, सुशांत भैया। अरे एक नंबर का खिसकेला, सरकेला एकदम कोमड़ा कुत्सा। शुक्र है एक महीने के लिए दुबई गया है, वहाँ बहुत बड़ा घर है उसका। तुम्हारी कांची ने सुसाइड कर लिया है। I'm sorry, baby, but you're too obsessed with that girl. I'm sure, वहाँ से जरूर कोई आएगा तुम्हें तबाह करने के लिए। कौन? कोशंपा का ही कोई जवान। मिला हाथ। क्या कर रहे? सुशांत। काकड़ा है हम, मालूम है ना? काकड़ा। So just chill. तुम्हारा कौन कौन है यहाँ? एक भाई है सुधीर, वो संजय पाठा रहे ना उसके साथ पार्टी में कार्य करता है। माँ थी, गए साल गुजर गई। तुम्हारी माँ है? हाँ है ना। किधर? गांव में। मुझे तो बहुत याद आती माँ की, तुझे नहीं आती? माँ तो होती ही ऐसी है, कितना झगड़ती मारती फिर रोती और प्यार से रोटी खिलाती। नींद की ले नीचे आँखों, नींद की ले नीचे आँखों। 25 दिन तक वो सुशांत का इंतजार करती रही पर वो नहीं आया। अभी ना, वैसे यू लुक सेक्सी इन दिस हेयर स्टाइल। आई लाइक द वे यू कॉल मी सेक्सी सविता। तुमने कुछ देखा? जी, वो सविता दीदी आपको कंघी कर रही थी और आप उनको चुमा। जो तुमने देखा वो तुमने नहीं देखा, और अगर ये बात तुमने किसी से कही कि तुमने देखा तो कल तुम खुद को देख नहीं पाओगी। स्वीट गर्ल, जाओ। सर, झूमर बाबू का फोन है आपके लिए। हाँ झूमर। ए, क्या देखा तुमने? जो तुमने देखा वो तुमने नहीं देखा, समझ गई? गुड गर्ल। अरे बंगले के बाहर की बिजली चली गई है, धनराज को बुलाना। सिगड़ी कहाँ है रे? फोन करने गई है अपनी मौसी को। अच्छा
इलेक्ट्रिशियन आ गया है, लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी। साहब अंदर सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करने का। मेरे भाई संजय का फोन आया था, कह रहा था कि दीदी श्याम दादा आपको एमएलए का टिकट कब दिलवा रहे हैं। मैंने कहा मालूम नहीं। मुझे तुम्हारी मिनिस्टर होने की इच्छा मालूम है। 9 साल से आपके साथ हूँ, अपना सब कुछ दिया है मैंने आपको, इसीलिए मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। छोड़ो, प्राइवेट रूम में पब्लिक बातें नहीं करनी चाहिए, प्यार करो वो भी पद्धति से। हाँ, पर आपकी पद्धति। I love you, सविता। सिगड़ी। तू जरा फोन लगा उसको। जी। अरे काट दिया। मोहनलाल जरा सीढ़ी वाला दरवाजा खोलो। आपको मालूम है ना, कल रात मुश्ताक इत्रवाला के बंगले में मेरे भाई संजय की शादी की म्यूजिकल नाइट है, आना होगा आपको मेरा गेस्ट बनकर। सविता तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, मुझे गोदरेज की होली की पार्टी में जाना है। आप वहां नहीं जाओगे। धमकी है? हाँ धमकी है, अगर तुम वहां नहीं आओगे तो मुझे सत्यकाम को रिक्वेस्ट करनी होगी वहां आने के लिए। फिर तो तुम्हें उसकी पार्टी ज्वाइन करनी होगी। हो सकता है। फिर उसे मेरा राज बताना होगा। आप ही ने तो कहा था कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। सविता तुम मेरी राजदार हो। हाँ लॉयल तो हूं, स्विस बैंक आपके करोड़ों का घपला, कोशंपा वैली में उस लड़के का मर्डर और लड़कियों के साथ आपके संबंध, इतने सालों से सब कुछ अपने दिल में छुपा कर रखा है मैंने और ये बात संजय तक को नहीं पता है। 9 साल से आपको अपना सर्वस्व दिया है मैंने, यू मस्ट अंडरस्टैंड, सब्र टूट रहा है मेरा। वेदांत, आदा तुम ठीक कहते थे, सविता का सब्र टूट रहा है। सोचता हूं कि सविता को हमारी अग्नि परीक्षा देनी होगी। सविता नाम को हमारी लिस्ट से मिटाना होगा, लेकिन सब पद्धति से।
के रूम की तरफ कौन जा रहा है, जरा चेक करो। बलबीर पीछे की साइड देखो जरा कौन है। देखो वहां कोई है। हेलो, मैं नट्टू। हेलो बगुला, तू ना आई, तेरी आवाज तो आई। हाय टेक्नोलॉजी। बगुला मुझे तुझसे अभी मिलना है। देख आज मैं पूरा दिन सरकारी बजट के सेशन में बिजी हूँ, तू एक काम कर, सज्जाद भाई की पार्टी में आ जा, सुपर आइटम कर रहा हूँ। तू कांची के साथ ऐसा करेगा? जरा अपना भी तो टैलेंट देख। देख अर्जेंट है, प्लीज। मेरा पूरा काकड़ा कुंभा में आ रहा है। कांची, मुझे तो कहीं खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। मुझे तो घर के अंदर दिखाई दे रही है। बीए पास पुलिस में, जी हाँ बीए पास पुलिस में, लेकिन आज रात को मैं बनूंगा सिंगर फॉर दिस म्यूजिकल नाइट फॉर द वेडिंग ऑफ माय डियर फ्रेंड संजय पठारे, द ब्रदर ऑफ सविता पठारे, फ्यूचर मिनिस्टर। क्लैप 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 क्लैप। नाउ आज रात को मैं गाना गाने वाला हूँ, जी हाँ एक गाना गाने वाला हूँ, और आप लोग गुनगुनाएंगे तीन शब्द, तीन ही शब्द। क्या? कंबल के नीचे। अगर आपकी इजाजत हो तो इरशाद, आज दूल्हे की रात होगी कंबल के नीचे, दुल्हन भी साथ होगी कंबल के नीचे, हौले हौले बात होंगी कंबल के नीचे, तभी तो रियल मुलाकात होगी कंबल के नीचे। आ जा कंबल के नीचे।
कंबल गलीचे हाँ कंबल गलीचे दिल कंबल के नीचे साता हक ऐथे रख कंबल के नीचे आज ब्लू है पानी 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 कंबल के नीचे लुंगे 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 डांस लुंगे 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 डांस कंबल के नीचे मेरी पार्टी बड़े लोगों की पार्टी होती है आई वॉन्ट इम्पोर्टेड फिरंगी डांसर्स नॉट इज देसी इन माई पार्टी आई वॉन्ट द बेस्ट गर्ल्स ओके लेट्स गो और हाँ मुझे याद आया मेरा भतीजा सुशांत खास इस पार्टी के लिए सुशांत की न्यूज सुनते ही उसने अपना रुख जेबी की तरफ बदला और फिर क्या किया उसका नाटक देखी आपका बैग थैंक यू वो लेके भाग रहा था मैंने छीन लिया उससे थैंक यू माय डियर थैंक मुझे काम चला उसके उधर मैम सिगरी वांट्स टू जॉइन योर कंपनी व्हाई नॉट यू आर अ प्रिटी गर्ल एंड आई नीड प्रिटी गर्ल्स यू जॉइन मी टुमारो टुमारो यस थैंक यू एक होस्टेस के नाते तीन चीजें याद रखनी है आपको झूमर बाबू के पार्टी में मुस्कुराइए एक एयर होस्टेस की तरह बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी मॉडल की तरह ओके एम आई क्लियर यस सर गुड वुड यू स्टॉप दैट प्लीज इट्स वेरी डिस्टर्बिंग थैंक यू सर मुझे ना एक सवाल पूछना है पूछिए अगर कोई वीआईपी गेस्ट हमें आंख मारे तो हमें क्या करना चाहिए गुड क्वेश्चन तो तुम्हें भी आंख मारनी चाहिए एक थप्पड़ धर के नहीं मारना चाहिए सिगरी तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो अपने हैंडसम जेबी सर से क्यों वेल थैंक यू सॉरी सर अगर आपको कुछ बुरा लगा हो नो 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 जो दिल में बात है वो तो खुल के करनी चाहिए ना इससे पहले कि तुम मेरी पार्टी को बर्बाद कर दो यू नो आई लाइक दिस गर्ल
Welcome, Jacob Turner. Good to see you. Welcome. Inka swagat karte. Thank you. Please meet my wife, Gayatri. Better known as JV. Yeah, so, sorry, this is my first time in India. Yo, we're staying here for a week. Really? My husband's been speaking a lot about you and your wife. She's in America. These girls are dressed like, you know, the traditional girls. Sir. Yes? Thank you, Bagula. Thank you. Arey, sir. Jis nigahon se aap dekh rahe the, hum samajh gaye ki aapko bhi lagwana hai. Tika? Dad? Ghar walon ko koi tika thodi lagata hai. Wo to tune bola. इसलिए मैंने इनको लगा दिया। सच अ स्वीट हार्ट यू चलें। चलो। तकलीफ है तेरे चेहरे पे? हाँ है तकलीफ, ऊपर से लेके नीचे तक। हट झंड। या मैम। सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज शाम को जेकब के साथ 5 बजे एक और मीटिंग है। कैश फ्लो की डिटेल डिस्कशन है सर। हाँ ठीक है ठीक है, ये अकाउंट बाद में देख लूंगा। लेकिन सर, सर दिस इज़ फॉर यू। एक्सक्यूज मी बगला। सर तुम ना बाद में देख लेंगे यार। सर एक काम कर, वो लड़की दिख रही ना फ्रंट पे, अरे वही टीके वाली, वो चॉकलेट जाके दो, कहो मैंने भेजा है। मैंने उनको सर। अरे जाना तू। खाओ चॉकलेट। कहाँ से लाए? किसी कमीने ने भेजा है, लो। With this development, कोशंपा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $200 million की और जरूरत पड़ेगी। और पूरा कैश अकाउंट लहरी कैंप को भेजूंगा। बस आपकी तरफ से हमें कंफर्मेशन चाहिए। And this we can assure you, nobody can do better than us. If you'd excuse me, I'd like to use the restroom, please. Sure, of course. I don't mind. Not at all. Oh, you please sit down and hear the presentation. Huh? I'll just be back. Excuse me. Thank you. Well, Mr. Jacob. Good afternoon, sir. Good afternoon. Oi, oi! Shh, shh, shh. मुझे ना मीटिंग में ऐसे मत देखा करो, बड़े बड़े लोग आए हैं, मेरे दिमाग का बंटवारा हो जाता है। पर आप ही ने तो मीटिंग में से हाथ हिलाया, तो मैंने भी हाथ हिलाया। मेरा दिल हिल जाता है जब तुम हाथ हिलाती हो। प्लीज डोंट डू दैट। और मुझे ना तुमसे बहुत बातें करनी है। गुड आफ्टरनून। लिसन, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। ऊपर वाले बेडरूम में वो फूल मुरझा गए हैं, वो चेंज कर दो। मैं 8 बजे के बाद फ्री रहता हूँ। 8 बजे? 8 बजे? मुझे ना इतना काम रहता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। सब मतलबी हैं। जेबी के जेब को बस ताकते रहते हैं। पर आप तो कितने बड़े आदमी हो। हाँ वो तो है, लेकिन दिल तो बच्चों जैसा है ना। तुम्हारे जैसे दोस्त की तलाश रहती है। ओए। हाँ सुशांत। जेबी अंकल, ये जेकब टर्नर और हैरी चैंग के अकाउंट्स में कैश की काफी गड़बड़ी है। आई हैव माय ओन डाउट्स। हाँ जो भी है ठीक है ठीक है। सुशांत मेरा भतीजा बहुत परेशान करता है मुझे। कब आएगा वो? आएगा ना, वो पार्टी में आएगा। ये क्या कर रहे हो आप? चुमल, जेकब डाइनिंग टेबल पे आ गए हैं, तुम भी जल्दी आ जाओ। माय डियर हस्बैंड, ऑलराइट?
वेलकम सर, एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू, टाइम इज शॉर्ट, 6 PM जेकब डील सेंड करनी और 8 PM पार्टी सेलिब्रेशन, ये भी सर का सरप्राइज आइटम। इवन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, नट्टू गॉट किल्ड। आई नो सर, पुलिस डिपार्टमेंट इज ऑन इट, सो रिलैक्स, कैन वी गो नाउ? ये कैश का मामला है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम सब अंदर जाएंगे। वो मदर हैरी चैन ने 45 million dollars की जगह 43.8 million dollars रिपोर्ट किया है। नो नो सर, बिकॉज़ रुपी रेट इज फॉलिंग। आई डोंट केयर द रुपी रेट इज फॉलिंग, आई वांट माय मनी, आई वांट माय फुल 45 million dollars। श्योर सर। वन मोर थिंग, सुशांत जी पहुंच चुके हैं। या आई विल बी देयर। आपने मुझे बुलाया सर? सिगड़ी माय, एक मिनट सिगड़ी माय डियर, ये बहुत छोटा सा एक इंपॉर्टेंट काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। Here we go. हाँ आओ सिगड़ी आओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ये कह रहा था कि वो आज वो जो पार्टी है ना, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो है ना कि वो हो सकता है कि मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ, तो तुम बुरा नहीं मानना। हाँ पार्टी के बाद हम लोग वो करेंगे यार। ठीक है ठीक है। You love me, ना? मैं कैसे यकीन कर लूं? कैसे करोगे? Give me a kiss. Kiss me. And kiss me here. Come on. आज की रात थोड़ी स्पेशल बनानी है। This is the only night, Jogi ho stop your ride. This is the only night, go crazy on the dance floor. This Ladies and gentlemen, can I have your kind attention please? We are all here to welcome Jacob Turner and his team celebrating the biggest deal signed between the JB Companies and the Jacob Infra Company. Please give a round of big applause for Sushant Kakta to make this deal happen. All request JB sir to come on the dance floor with Albelagar. Sir, आपको पार्टी में नहीं बुलाए क्या? नहीं। आज की रात थोड़ी स्पेशल बनानी है।
तुम्हें एक लड़की का पता करना है। कौन सर? जो लड़की नट्टू के साथ भागी थी उसका पता करना है। डन सर। बागुला सीक्रेटली। अरे तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। आज की रात थोड़ी स्पेशल बनानी है। सिराट। मैं थोड़ा पानी पी के आऊँ। मैं अभी आई। मेरा हस्बैंड बेहोश है पर मैं होश में हूं। He's gone mad. पर तुम दो छटांग की लड़की अगर अपनी जान प्यारी है ना तो 3 मिनट में इस घर से बाहर निकल जाओ। And don't even dream about this man. Just save your life and get out. Get out! God favors the brave. मिशन जे भी सक्सेसफुल पर उसके आगे एक बुरी खबर थी। पूरा शहर आज एक अजीब सी सनसनाहट में है कि शाम काकड़ा की सेक्रेटरी सविता पठारे की मौत कल एक बॉम्ब ब्लास्ट में हुई। ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसे और किसने किया इसका जवाब सरकार भी नहीं दे पा रही है। श्याम काकड़ा की पर्सनल सेक्रेटरी सविता पठारे जो कि वारदात के वक्त यही मौजूद थी बॉम्ब ब्लास्ट की शिकार हुई। होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी जेपी गोडबोले का बयान है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे पड़ोसी मुल्क के टेररिस्ट का हाथ हो सकता है जिसके लिए उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। ये नारी हत्या है। सविता दीदी बहुत अच्छी औरत थी। सविता पठारे को MLA की टिकट मिलने वाली थी और अफसोस कि दूसरे 4 आदमियों के साथ वो भी मौत का शिकार हुई। मैं जयंता, जी न्यूज। सविता की मौत सिर्फ इस देश की नहीं मेरी भी निजी हानि है। सविता इस देश की बेटी थी, उभरती युवा थी, एक भविष्य थी। ईश्वर सविता की आत्मा को शांति दे। हेलो, मंजरी है? उसे मारकर दुश्मन मुल्क ने अच्छा नहीं किया। दुश्मन को हमारी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। वो कुत्ते कमीने टेररिस्ट ने हमारी सविता दीदी को मार दिया, इसलिए मैं तेरे को फोन कर रही थी। मेरा फोन तो घूम गया कहीं। घूम गया? एक मिनट, ये फोन ना मुझे गार्डन में मिला, देखिए तेरा तो नहीं। यही तो मेरा फोन है। सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहां है? We got it. Not one, but two. हम नेता लोग अब कुर्सी में ज्यादा और काम में कम ध्यान देते हैं। पार्टी की पॉलिटिक्स में 70% टाइम बिताते हैं, डेवलपमेंट कम करते हैं। अरे असली नेता तो वो हैं जो गरीबों की असली आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। सविता नाम को हमारी लिस्ट से मिटाना होगा, लेकिन सब पद्धति से। आतंकवादी मासूम लोगों को मारकर चले जाते हैं, मेरा दिल दुखता है।
निर्भया जैसी लड़की का बलात्कार होता है, मेरा दिल दुखता है। ये गरीब लोगों को देखकर मेरा दिल दुखता है। ये बच्चे बच्चियों को देखकर मेरा दिल दुखता है। महिला की संरक्षण हमारा परम धर्म है। और भी क्या धर्म है आपके, बताते जाइए। विरोधी पार्टी का गेम है। मैं यहां खड़ा हूं और खड़ा ही रहूंगा। मुझे यहां से कोई हिला नहीं सकता। भारतीय राजनीति के प्रसिद्ध नेता श्याम काकड़ा की 30 साल की हुकूमत आज खत्म हो गई। विरोधी पार्टी ने श्याम काकड़ा की सभी नामी प्रॉपर्टीज को अटैच करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने श्याम काकड़ा को जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिया। झूमर बाबू के फॉरेन बैंक अकाउंट की रिपोर्ट मेरे पास पहुंच चुकी है। तुम्हें किसने दिया? जय युवा संघ ने। और उन्हें कैसे मिला? सर वो ये बताना नहीं चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। यस निशिकांत फ्रॉम सीबीआई। तो मैं क्या करूं? खड़े हो जाइए सर, हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। What's my crime? आपकी सभी कंपनीज हवाला और क्राइम की लिस्ट मेरे पास है और आपके सभी फॉरेन बैंक के अकाउंट नंबर्स भी मेरे पास हैं। अकाउंट नंबर्स? जी हाँ, अकाउंट नंबर्स Z3 प्रिंस CS 000 9380 और न जाने कितने और। वाओ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। किसने भेजा तुम्हें? सरकार ने। और सरकार किसकी है? आपकी। तो सर इसीलिए तो मैं आपसे अकेले मिलने आया हूँ। दोस्त मेरे, सांस लो यार, सांस। सांस लेने का टाइम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें म्यूजिक का शौक है? तो ये सुनो। काम का एंटीना खुल चुका है, फिर काहे जुर्म पे जुर्म पे जुर्म करते जा रहे हैं आप? क्राइम आफ्टर क्राइम वो देखिए सब रिकॉर्डेड है और रिकॉर्ड करने वाली पुलिस की पूरी टीम आपको देख रही है, फिर काहे गोली चला रहे हैं आप? सबको मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ था और तुम्हारे लिए मरूंगा।
शाम की सारी तैयारियां हो गई हैं. लेट्स हैव अ कॉन्फ्रेंस टुनाइट एंड टेल देम व्हाट. ये काकड़ा ब्रदर्स की बेल नहीं होने देंगे. बेल मिल जाएगी सर, डोंट वरी. ऑल अंडर कंट्रोल सर. कौन लाया तुझे? मीना ने चिट्ठी डाली थी, दौड़ी चली आई हूँ. मेरे साथ घर चल काची, घर चल. तुझे रिश्ता तोड़कर ही मैं आई हूँ माँ. लड़ाई करने लड़कियाँ ऐसे गुस्सा नहीं करती बेटा, लड़कियाँ ही ऐसे गुस्सा करती हैं. तू मुझे लेक्चर मत दे माँ, तू जा यहाँ से. काची, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ. काची तू जा यहाँ से माँ. काशी रो. ऐसा है दर्द मेरा, ऐसे है दर्द मेरा, कैसे कहूँ ओ माँ. छोटे मोटे दुखों का हिसाब जोड़ा भी है जोड़ा भी नहीं. मायनी हालातों ने मुझे तोड़ा भी नहीं. बदली है माय मेरी जीने की आदत. औरों जैसी हो गए भी हूँ औरों से जुदा. कैसा है दर्द खड़ी रहे. गोली चला दूंगा. पुलिस वालों को मालूम है ना. देख देख कांची, तू एंग्री है. तू कितना भी कर ले, क्या ये दुनिया सुधर जाएगी? हाँ, ये देश सुधर जाएगा. जो है सो है. मैं भी यही बोलती थी, जो है सो है. लेकिन जो है सो है नहीं होगा. अब नहीं होगा. अब वही होगा जो राइट है, जो सही है. ये मेरी फाइट है, मैं अकेले ही लड़ूंगी. तो क्या करेगा बगुला? तू तो खुद इन शैतानों के पाँव छूता है. तुम लोग देश नहीं, अपना घर चलाते हो, अपना घर. और इसीलिए तुम गोली चला ही नहीं सकते. मैं चला सकती हूँ. मैंने खत्म किया श्याम काकड़ा को, उसकी हैसियत को, झूमर बाबू को, जेबी को, सुशांत की हर शक्ति को. और अब मैं सुशांत को खत्म करूंगी. तुझे जो करना है तू करने जा. जा रही. और अगर पिछवाड़े में दम हो तो मेरी पीठ पे गोली दाग देना.
इतना बड़ा जहां है चलो ढूंढ लाए उसको चाहे इतना बड़ा जहां है चलो ढूंढ लाए उसको सारे जहां से अच्छा कन्विंस करूंगा देख तू अगर ले आया तो मैं 50 लाख रुपए कैश उसी वक्त दूंगा तुझे तू अगर नहीं लाया तो मैं यू नो हाउ डेंजरस आई एम है ना तुम्हारे बारे में 2-3 लोगों के फोन आ चुके हैं इट्स गेटिंग डेंजरस मुझे मालूम है तुम ऐसा करो ऑफिस में जाओ तैयार हो जाओ एंड देन कम बैक औलाद होंगे पहले आया तो था इधर की रास्ते में खो गया इतना बड़ा जहां है चलो ढूंढ लाए उसको सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहां है कहे जाए कोई गीत भी था उसका मुझे याद आ रहा है बिना जाने जिसका मतलब हर नेता गा रहा है उन्हें कह दो गाएंगे हम जय हे हमें गीत वो है आता हमें गीत वो है आता जब जनगण मन जनगण मन जब जनगण बने खुद अपना भाग्य विधाता थैंक यू माय फ्रेंड उस बैग में 50 लाख रुपए हैं तुमने अपना वादा पूरा किया उसका इनाम थैंक यू सर सर वो माफी जगह मुझे खोलकर देखना पड़ा सर ये रही आपकी अमानत सर मैं जाऊं थैंक्स थैंक यू सर Thank you.
तुम्हारी हर पेंटिंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आता रहा। तुम्हारी ये चमक, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये गाल, तुम्हारे ये होंठ। I still love you। मैं आपकी एक पेंटिंग फिर से बनाऊंगा, नेकेड, नंगी। चाहे तो मेरा खून कर। इतनी आसानी से नहीं। जितना दर्द मुझे हुआ है उतना तुम्हें भी होना चाहिए। वो देखो, 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 देखो। सर ये कौन सा तरीका है सर? आउट। सर ये कौन सा तरीका है सर? आपने सिक्योरिटी वाले ने बंदूक छीन ली सर, मैं पुलिस वाला हूँ सर। आउट। और ये कोई तरीका है सर? आप कांची की बहन को घर पे लेकर तो मुझे बता देने, कौन सा तरीका है ये? आउट। सर ये कोई तरीका है सर? आप मुझसे बंदूक ताने सर, मुझ पे। आपका खादिम हूँ सर, आपका दोस्त हूँ, आपका नमक खाए सर, आप मुझसे बंदूक ताने सर, मुझ पे। एक ही तरीका है सर आपको बताने का, वो ये है सर कि आपको भस्म कर दिया जाए। कांची तू भाग यहाँ से, इस केक को मैं देखता हूँ। अब है बहन के काकड़े, अब देख मेरा तरीका। ये तरीका, वो तरीका, यही सही है ये तरीका। डिटरमिनेशन
कांची कहाँ गई? अपने गांव को शंपा, अपनी मां के साथ। जैसे काकड़ा बिना सबूत छोड़े कोशंपा से भाग गए थे, ठीक वैसे ही कांची बिना सबूत छोड़े अपने गांव चली गई। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि कांची कानून से भाग गई? क्या यह सच है कि आपने कांची की फाइल क्लोज करने का ऑर्डर दिया है? तुम्हें क्या लगता है कौन सही है, कांची या काकड़ा? सर, ऊपर से बहुत प्रेशर है, दिल्ली से फोन आ रहे हैं। बजने दो। पर सर, छोड़ दो। दिल्ली ऑफिस के अरिंदम बरुआ को जानते हो ना? 95 बैच। उसने एक दिन दारू के नशे में मुझे बताया कि अपनी रिपोर्ट में दो लाइनें बदलने के लिए मंत्री जी ने उसे अपना बेनामी फ्लैट दे दिया। 60% से ज्यादा नेताओं के पास 100 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे जमा हुए पिछले 10 सालों में? पद्धति से, सिस्टम से। अदालत के बाहर कानून के सौदे होते हैं, मीडिया वालों से डील होती है, पार्टी पॉलिटिक्स में एमएलए खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं, एमपीस खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं। यार, बिजनेस के नए कानून बिजनेसमैन बनाते हैं। वाह, ये सब मालूम है ना तुम्हें, मुझे, सबको मालूम है, फिर भी हम चुप रहते हैं क्योंकि हम इस सिस्टम के नौकर हैं। और इसी सिस्टम को यही पॉलिटिशियन बनाते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और तोड़ते भी हैं। करप्शन हमारे खून में बस चुका है गौतम, व्हाट अ शेम। लेकिन कांची एक नई भारतीय युवा है, उसने काकड़ा जैसी पावर को अपने सिस्टम से ही जवाब दे दिया और कहा फियर नो इवन एंड डू व्हाट इज राइट। और इसीलिए मैंने कांची की फाइल को क्लोज कर दिया है और मुझे मालूम है कि मैं सही कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अपने फैसले में काकड़ा का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। कोशंपा की सारी जमीनें भी वापस मिल गई, सब भगवान जी की कृपा से। सही बात है। तो खामखा ही गुस्सा होके चली गई। देख, तेरे पीछे सब अच्छा हो गया ना, है ना?